भारतीय सेना में परिवार की परंपरा को बढ़ाया ध्रुव चौधरी ने। दिसंबर की पासिंग आउट परेड में जहां मेजर जनरल पिता, रिटायर्ड कर्नल नाना, तो लेफ्टिनेंट बहन और लेफ्टिनेंट बहनोई के साथ ध्रुव ने अपने परिवार की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक नया अध्याय जोड़ दिया। भारत खबर के विशेष संवाददाता अजस्त्र पीयूष से ध्रुव और उनके परिवार ने खास बातचीत की। इस वक्त हम भारतीय सैन्य अकादमी के सोमनाथ स्टेडियम में हैं और हमारे साथ एक वो परिवार है जिस परिवार में भारतीय सेना में एज ए अफसर एक पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा रही है। इस परंपरा को ध्रुव चौधरी ने यहाँ पर इस परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है। हम ध्रुव से बात करेंगे, वो अभी अभी पासिंग आउट परेड में स्टेट बिल्डिंग के अंदर से गुजरे हैं और यहाँ पर इनकी रैंक सेरेमनी हुई है। ध्रुव, कैसा लग रहा है? मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये फौज हमारे परिवार के खून में ही चलता है, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के फौज में ही आना था और आज ये सपना पूरा हुआ है। तो इस सपने को मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। आप आगे हमारी सेरेमनी देखोगे तो उसमें आपको पूरे कोर्स का जोश नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर ध्रुव के पिताजी हैं और जो कि इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट मेजर हैं। मेजर जनरल हैं, माफ करिएगा, मैं उनसे बात करूंगा, आनंद चौधरी जी से। सर, कैसा लग रहा है, बेटा भी अफसर बन गया और पूरे परिवार की एक परंपरा रही है? सर, ये एक बड़ी मूवमेंट है, प्राउड की और खुशी की। मेरे परिवार से मैं पहला आर्मी ऑफिसर था। मेरा परिवार में इससे पहले कोई ऑफिसर नहीं था। मेरे आने के बाद दोनों बच्चे मेरे, मेरी बेटी लेफ्टिनेंट है आर्मी में, मेरे होने वाले सन इन लॉ वो भी लेफ्टिनेंट है आर्मी में, और मेरा बेटा भी आज लेफ्टिनेंट आर्मी में कमीशन हुआ है। इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है कि दोनों बच्चे देश की सेवा में समर्पित हुए। यहाँ पर उसी पीढ़ी के नाना जी हैं ध्रुव के, मैं उनसे भी बात कराऊंगा। सर, दामाद आर्मी में ऑफिसर, नाती आर्मी में ऑफिसर, नातिन आर्मी में ऑफिसर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सपना है हमेशा से कि मेरे बच्चे हर पीढ़ी इस प्रयास को जारी रखे और देश की सेवा करने का एक ही अच्छा तरीका है कि फौज के अंदर जाएं, ऑफिसर बन के जाएं। अब ध्रुव चौधरी ने इतना अच्छा वो नमूना दिया है कि पहले इसको एनडीए से हमें विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि इसके घुटने में चोट लग गई थी, और इस बच्चे का सपना था कि मैंने आर्मी ऑफिसर ही बनना है। मेरे पास रहा है, वहीं इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, वहीं इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की और आज के दिन इन्होंने कमीशन लेकर 16 डोगरा में जा रहे हैं, वो भी हमारे रेजिमेंट के साथ मिलती हुई रेजिमेंट में जाकर बच्चे हूँ। मेरा नाम कलवती सिंह, विशेष सेवा मेडल है और मेरा आज सपना पूरा। यहाँ पर ध्रुव की बहन भी हैं प्रेमंदा चौधरी और वो खुद भी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट हैं। मैं बात करूँगा, कैसा लग रहा है आपको, आपका भाई भाई नाना एक पीढ़ी और होने वाले हस्बैंड भी इंडियन आर्मी में? इतनी खुशी मुझे अपनी पासिंग आउट पे हुई थी, उससे दुगनी खुशी आज मुझे अपने भाई की पासिंग आउट पे हुई है। इससे ज़्यादा गर्व का मोमेंट मेरे लिए पहले ना था ना होगा। गर्व के हर पल हर क्षण भारतीय सेना अकादमी में हम देखते हैं। ये गर्व का पल है और गौरवशाली इतिहास ही है भारतीय सेना का, जो एक परंपरा को बांधे रखता है। कैमरामैन मोनू राजपूत के साथ अजस्त्र पीयूष, आईएमए देहरादून।